हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन। मैं आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी, जो कि हो सकता है DFDM, आपका डिवाइन टेस्ट हो सकता है। आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग या न्यू समवन ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको या तो एक आपकी जर्नी के लिए सपोर्टिव हो सकते हैं या आपका एक डिवाइन टेस्ट हो सकता है। कुछ ऐसे नए लोग जो कि आपके लिए कुछ हो सकता है आपकी लाइफ को डायरेक्शन देने आए हो, तो अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है, साथ में समझने की ज़रूरत है कि वो आपको क्या डायरेक्शन देने आए हैं। कुछ आपकी लाइफ में हिडन है जो अभी तक आपको नहीं पता था, ये भी हो सकता है। ये डिवाइन टेस्ट कह लीजिए या एक डायरेक्शन कह लीजिए, ये सब सपोर्टिव ही हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इनके आपको किस क्या इनका बेस है, इनकी इंटेंशन है। आपको उनके अकॉर्डिंग अपने आप को सिचुएशन को समझना है, अपने आप को समझना है कि आपकी लाइफ में आगे फ्यूचर में ये आपको क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। इसके लिए आपको अपना इंट्यूशन पावर बहुत हाई लेवल पे करना होगा, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ ट्रिगर दे जाए, हो सकता है कुछ आपको चूज वन करना पड़े अपनी लाइफ में एज अ अपना DFDM या सोलमेट कार्मिक। ये आपको हो सकता है टेस्ट हो, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आपके लिए भी आपसे भी ऐसा पर्सन भी जो है शायद आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले रहे हों, या कुछ आपको लेसन देने आए हों, या कुछ ट्रिगर कर सकते हैं। बहुत यहाँ पे माइंड शार्प की ज़रूरत है, यहाँ पे आप फंस भी सकते हैं उनकी बातों में। हो सकता है आपको कोई लेसन देने वाले हों, हो सकता है कोई ट्रिगर मिलने वाला हो आगे फ्यूचर के लिए। बड़ा केयरफुली आपको समझना है, यहाँ पे डिवाइन टेस्ट भी है, ठीक है जी। आपका डायमेंशन चेंज हो सकता है अगर आप इस टेस्ट को पार कर सकते हैं। ये बंदा आपको बंदी कोई भी आपकी लाइफ में आपको हिला सकता है फुली, मतलब कि ये इतने हाई लेवल के हो सकते हैं कि आपके ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी हो सकता है, ठीक है। स्पिरिचुअल इतने हो सकते हैं, आप भी इनकी बातों से इम्प्रेस भी हो सकते हैं और आप इनको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। ये आपकी खुद की इंट्यूशन पावर कितनी हाई लेवल की, ये डिवाइन टेस्ट हो सकता है। अभी तक आपने कितना अचीव किया अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ, या अपने पार्टनर को कितना चूज वन किया, या कितना आप अपने पार्टनर के लिए फेथ रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं अपनी जर्नी पे, या जर्नी से अपने छोड़ने की कोशिश करेंगे, या जर्नी को एक्सेप्टेंस मोड पे आके अपने पार्टनर को ही चूज वन करेंगे। बहुत बड़ा बिगर ये टेस्ट हो सकता है, अलर्ट रहिएगा। अलर्ट मैसेज है चूज वन, आपको पता ही है क्या करना है। आपका TF या DM वो कैसा भी है, आप ही का पार्ट है, ठीक है। बहुत सोच समझ के आपको अलर्ट मैसेज, जो कि डिवाइनली गाइडेड मैसेज, बहुत केयरफुल रहना है। ये आपको हो सकता है कि हार्म भी पहुंचा दे आगे फ्यूचर में। हर चीज़ को बैलेंस करते हुए सोचना है, समझना है क्या करना है क्या करना नहीं चाहिए, ये आपके ऊपर है। मेरा फर्ज आपको अलर्ट करना है, तो ये बहुत बिगर टेस्ट कभी भी हो सकता है। अपना ध्यान दीजिए, टेक केयर कीजिए, और आसपास का एनवायरनमेंट देखिए, सिचुएशन देखिए, कंडीशन देखिए, तब भी कोई डिसीजन लेना है, ठीक है जी। अब तक का ये करंट मैसेज जो मुझे आपको देना था, और आपके पार्टनर ने बिल्कुल फुली सरेंडर कर दिया है, जो कि डिवाइन को सरेंडर करके अपने आपकी लाइफ को देख रहे हैं, लेकिन अभी उनके हाथ में कुछ नहीं है। ये उनके साथ भी हो सकता है सेम, लेकिन वो हो सकता है वो भी इन चीज़ों से बाहर आ रहे हो, या उनका टेस्ट हो जो आपके साथ भी टेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से हो सकता है, तो अलर्ट रहने की दोनों को ही जरूरत है। लेकिन मे भी मुझे इतना पॉसिबल लगता है कि आप बहुत, अगर आपका इंट्यूशन पावर का अगर फॉलो कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ से बाहर भी आ सकते हैं, थोड़ा सा फेयर से ऑपरेट कर सकते हैं आप दोनों ही, ठीक है। आपको हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा सा फेयर बैठ गया हो कि मुझे अब सिचुएशन में फंस गया, अब मुझे इससे किसे बाहर आना है। लेकिन अगर इंट्यूशन का अच्छे से यूज़ करें, तो आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। बहुत बड़ा ये टेस्ट, और इस सिचुएशन को पार करते हुए माइंड को अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव वे में रहिए, चूज वन पार्टनर को कीजिए, अपनी जर्नी को कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। आपका पार्टनर बहुत ही प्योर सोल है, कोई ब्लेम करने की जरूरत नहीं है किसी की और की बातों में आके। अपने पार्टनर को चूज वन ना करना,
और किसी की बातों से ट्रिगर होके अपने आप को ब्लेम करना, ये दोनों ही वे में गलत है। अपने आप को अलर्ट और इंट्यूशन पावर को हाई करते हुए अपने आप चले जाना है, गो विद द फ्लो में। तो ये अलर्ट मैसेज था। तो मैं जब भी कोई न्यू अपडेट मिलेगी मैं फिर आपके सामने हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच।